पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फंगल डिसीजेस के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल डिसीजेस किस प्रकार से दिखाई देते हैं और फसल के ऊपर अटैक किस प्रकार से करते हैं। फंगस यदि मल्टीसेल्युलर मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है तो बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि यह एक ही कोशिका से बना हुआ है। जीवाणु का केवल एक ही कोश रहता है जबकि फंगस या फफूंद में एक से ज़्यादा कोशिकाओं से पूरा फंगस बनता है। ये भी फंगस की तरह पूरे फसल के पौधे के जो पार्ट्स है उनको इन्फेक्ट कर सकता है। इसका जो बहाव है वो हवा, पानी और एनिमल्स के द्वारा भी होता है। इसकी एक खासियत ऐसी है कि फंगस जिस तरीके से जर्म ट्यूब डेवलप करके, मान के चलो एक ड्रिल मशीन की तरह पत्ते में छेद करके इन्फेक्शन करने में सक्षम है, उस प्रकार से बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियल डिसीजेस के सिम्टम्स हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पत्ते पर थोड़ी दूर दूर की जगह पे हमको ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे और उस पे आसपास का जो एरिया है वह पीला दिखाई देता है। तो ये इस वजह से है कि एक तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से एक जगह पे ही वो इन्फेक्ट कर पाता है, जबकि फंगस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से एक जगह पे इन्फेक्ट करता है तो वहीं से पूरी जगह पे फैलता है। बैक्टीरिया एक से जब दो बनेगा, दो से चार बनेगा, ऐसे करते करते ही वो इन्फेक्शन बढ़ाने वाला है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक तो संकन स्पॉट मतलब जो दबी हुई जगह है इस तरीके से बनता है, या तो फिर रेज्ड स्पॉट मतलब जो उभरी हुई जगह है। यहाँ पर आप सिट्रस कैंकर देख सकते हैं, यहाँ पे ये उभरी हुई जगह हम लोगों को दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, जो खुरदड़ी दिखाई देती है। दूसरी एक बात, बैक्टीरियल विल्ट या फिर बैक्टीरियल डिसीजेज में बैक्टीरिया अपने सेल में से जो भी लिक्विड को सिक्रीट करता है वह अगर साफ पानी में रखा जाए तो बिल्कुल सफ़ेद कलर के रूप में वो दिखाई देता है। इस तरीके से हम लोग बैक्टीरियल डिसीजेस की पहचान कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़ैंथोमोनस कॉम्पेस्ट्रिस का माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया किस तरीके से अपने आसपास ही बढ़ रहे हैं, तो ये जो इतनी जगह है इसी जगह पे उसके सिम्टम्स दिखाई देने वाले हैं जो फंगल डिसीजेस में पूरा का पूरा पत्ता कवर कर लेते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस में ये ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है। फंगस एक तरफ जहाँ यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका सेल वॉल में स्टेरॉल्स है, ये सब चीज़ें हैं, उस प्रकार से बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बस उसका जो डीएनए है वो ऐसे ही सेल वॉल के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स ना होने से इन ऑर्गेनेल्स के ऊपर जो भी फंजीसाइड काम करते हैं वो बैक्टीरिया को नहीं मार सकते। दूसरी एक बात, इसकी जो सेल वॉल है ये सेल वॉल पॉलीपेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है जो कि फंगल सेल में स्टेरॉल्स से बनी हुई होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फंगस को और बैक्टीरिया को पूरी तरीके से अलग करते हैं। इसीलिए फंगस को मारने वाली दवाई को फंजीसाइड कहा जाता है और बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई को बैक्टीरियासाइड कहा जाता है। हमने देखा कि फंगस जब प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो वो एक जर्म ट्यूब रेडी करके फसल के अंदर जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में संभव नहीं है।
ये यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये एफिड्स की सूंड है। एफिड्स जो रहते हैं फसल के ऊपर, चूसक कीट है, ये अपनी सूंड जब पत्ते के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर एक छेद होता है। वैसे ही थ्रिप्स जब अटैक करते हैं तो वो पत्ते को खुरेदते हैं, जेसिड्स हैं या फिर लीफ माइनर हैं, कैटरपिलर्स हैं, वो पत्तों के ऊपर जो जख्म करते हैं उसी जख्म के द्वारा बैक्टीरिया पत्तों के अंदर जा सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि कोई फसल के ऊपर बैक्टीरियल डिसीज एक मेजर डिसीज है और पेस्ट का अटैक हो चुका है तो हम लोग ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पेस्ट के त्रिकोण में देखा, डिसीज ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कि जब होस्ट प्लांट है, एनवायरनमेंट है और पेस्ट है तो तीनों मिलके डिसीज का इन्फेक्शन होना ही है। तो यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक हो चुका है तो एनवायरनमेंट नमी वाला है और बैक्टीरियल पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है, इनोक्यूलम मौजूद है। तो जैसे ही यहाँ पे कीटकों द्वारा जख्म की जाएगी, बैक्टीरिया फसल के पत्तों के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग प्रिवेंटिव स्प्रे ले सकते हैं जिससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पत्तों के अंदर ना हो सके। एंटीबायोटिक जितने भी हैं उनको इन्फेक्शन होने के बाद ही इस्तेमाल करना है, इन्फेक्शन होने से पहले वो ज़्यादा कारगर नहीं साबित होते हैं। इंसेक्ट के द्वारा जख्म किए जाने के अलावा पत्तों के नीचे जो स्टोमेटा रहते हैं वो स्टोमेटल ओपनिंग के द्वारा भी बैक्टीरिया फसल के अंदर जा सकता है। ये एक नेचुरल ओपनिंग है जहाँ से बैक्टीरिया फसल के अंदर जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तो उसको एस्टेब्लिश होने के लिए नमी और टेम्परेचर बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।